एक बछिया दुल्हन बनी और बछड़ा बना दूल्हा। सुनने में यह बड़ा अजीब लगता है, लेकिन है सच। इन दोनों की शादी में बाराती भी थे और बैंड बाजा भी। पूरे विधि विधान से यह अनोखा विवाह हुआ। सीहोर जिले के जावर तहसील के गांव करमनखेड़ी में एक बछिया और बछड़े की शादी का अनोखा मामला सामने आया, जिसमें दूल्हा गाय का बछड़ा तो दुल्हन गाय की बछड़ी थी, जबकि बाराती के रूप में ग्रामीण थे। बैंड बाजों के साथ जब बारात निकली तो देखने वाले देखते ही रह गए। करमनखेड़ी गांव में 2 महीने पहले एक गाय का बछड़ा और बछिया बाहर से आ गए थे। यह दोनों ही साथ में रहने लगे, जहां पर जाते वहां भी साथ में ही रहते थे। दोनों के बीच का प्रेम देखकर ग्रामीण आश्चर्य में पड़ गए। उनके इस प्रेम को देखने के बाद सभी ने मिलकर दोनों की शादी कराने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने इसके लिए राशि एकत्रित की, वहीं बाकायदा गणेश पूजन के बाद दोनों को दूल्हा दुल्हन बनाया गया। अभी 1-2 महीने पहले ये दोनों गाय की बछेरी और बछेरा ये हमारे गांव में घूमते घूमते अज्ञात कहीं भी कहां से आ गए थे, और दोनों में इतना प्रेम है और पूरे 2-3 महीने से गाँव वालों ने देखा, फिर पूरे गाँव वालों ने उनमें अधिक प्रेम है। बिल्कुल 24 घंटा साथ रहते हैं और सुबह से जल्दी प्रभात फेरी के पहले पहले पूरे हर घर जाते हैं और रोटी सभी उनको रोटी खिलाते हैं। फिर गांव वालों ने एक विचार करा कि क्यों ना इनको नंदी और कामधेनु का स्वरूप भी दिया है, और इनकी पूरे गांव वालों ने मिलकर सभी ने पूरे अपने हिंदू समाज के रीति रिवाज से इन दोनों की शादी की। गांव वालों ने पूरे विधि विधान से यह विवाह कराया। खास बात यह है कि शादी कराने के लिए पंडितों को बुलाया गया। विवाह के दिन वर पक्ष बछड़े की तरफ से अर्जुन सिंह ठाकुर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर वधु पक्ष बछिया के तेज सिंह आचार्य के घर बारात लेकर पहुंचे। यहां बाकायदा स्टेज सजाया गया था, जहां एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति देखने को मिली। इसके बाद वर और वधु के अग्नि के समक्ष 7 फेरे करवाए गए। अनोखी शादी को जिसने भी देखा वह देखते ही रह गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।